Hey everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new topic in business ethics, that is what intellectual property. What is the role of business ethics or ethics in intellectual property? So ye iske sath ye question ban jata hai ki explain the role of ethics in information technology with contrast to intellectual property rights, design, patent, trademark and copyright. So ye sare roles hote hain ethics ke information technology ke andar. So aaj hum ye discuss karne wale hain isme ki kaun kaun se roles hote hain एथिक्स के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर. उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि राइट्स, डिज़ाइन, पैटर्न्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, उसका क्या कॉन्ट्रास्ट मिलता है ये बिजनेस एथिक्स से, राइट? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लेट्स बिगिन इट. सो फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल पार्टी इज एन आइडिया, अ डिज़ाइन एंड इनकन्वेंस, एन मैन्यूस्क्रिप्ट एक्सेट्रा विच अल्टीमेटली गिव राइज टू यूजफुल प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी इंटेलेक्चुअल पार्टी होती है जो कि आपकी चीज़ को या आपके नए स्टार्टअप को या आपके जो आइडियाज़ को है उसको नया डिज़ाइन देती है, नया इन्वेंशन देती है और एक नई मैन्यूस्क्रिप्ट देती है. उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच कैन बी अल्टीमेट गिव राइज, जो कि आपको यूज़फुल होगा जब आप प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करना स्टार्ट करोगे. ठीक है, तो अब आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अब राइट क्या होते हैं? राइट ऑफ एन इन्वेंटर टू ड्राइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस राइट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. सो इसको IPR को हम क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. सो इसके आपका जो भी इंटेलेक्चुअल राइट है वो अंडर इसके आने चाहिए. ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अंदर आपका आना चाहिए और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ठीक है, तो फर्स्ट वन पढ़ लेते हैं. हमें फर्स्ट वन पढ़ते हैं कि फर्स्ट वन क्या होता है? ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ट्रेडमार्क, पैटेंट, डिज़ाइंस और कॉपीराइट. ठीक है, तो हम पहले ट्रेडमार्क पढ़ते हैं. अ ट्रेडमार्क इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2ZB ऑफ द इंडियन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1990 एज द मार्क कैपेबल ऑफ बींग रिप्रेजेंटेटेड ग्राफिकली एंड विच इज़ कैपेबल. क्या करती है? जो भी आपका गुड्स और सर्विसेज होता है एक पर्सन का, उसको जो अनदर पर्सन ने भी अगर किसी ने सेम चीज़ की दुकान खोली है तो आपका प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट होगा उसके प्रोडक्ट से? आपकी मतलब आइडेंटिटी क्या होगी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड? ठीक है, तो उस चीज़ को क्या करते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रेडमार्क. जैसे कि आपके शेप ऑफ द गुड्स, जो भी आपका सामान है या आप जो भी बेचते हैं या जिस पे भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका शेप कैसा है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसका कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स कैसा है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? ट्रेडमार्क के अंदर आती है. अब मूविंग टू द अदर, ट्रेडमार्क में इंक्लूड अ डिवाइस. एक डिवाइस ब्रांड भी हो सकती है, हेडिंग भी हो सकती है, लेबल भी हो सकता है, टिकट नेम भी हो सकता है, सिग्नेचर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, एंड शेप ऑफ गुड्स, पैकेजिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड सच कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ट्रेडमार्क के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि आपके ब्रांड, आपका जो भी ब्रांड है तो वो उसका हेडिंग, उसका लेबल और अगर टिकट से रिलेटेड है तो टिकट का नेम, सिग्नेचर, लेटर्स, न्यूमेरिकल, तो शेप ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? हमारे ट्रेडमार्क के अंदर आ जाती हैं. तो ये कॉन्ट्रास्ट है, रोल होता है एथिक्स का इन क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आगे डिज़ाइन पे बढ़ते हैं. डिज़ाइन क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन लॉ ओनली प्रोटेक्ट दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट आर ऑर्नामेंट इट्स टेक्निकल फीचर्स मे बी प्रोटेक्ट्स बाय पेटेंट. तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट हमारा एक पेटेंट होता है, हमारा एक डिज़ाइन होता है जो कि अगर हम किसी भी कंपनी का पेटेंट ले लेते हैं तो हम उसके हकदार होते हैं. वो चीज़ सेम टू सेम कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है. ठीक है, तो वो ऐसा फीचर होता है हमारे पास कि जो हमारी कंपनी का डिज़ाइन है या हमारी कंपनी के ब्रांड का डिज़ाइन है तो वो उसका हम पेटेंट खरीद लेते हैं तो हमें उसका मतलब परमानेंट वो मिल जाता है कि
हमारा है ये, इस डिज़ाइन को कोई कॉपी नहीं कर सकता, ना कोई उसे बना सकता है। इफ़ दे मैट द रिक्वायरमेंट्स फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन आर डिज़ाइन में भी कंसिस्ट थ्री डायमेंशन फीचर्स सच एज शेप, इसमें भी शेप आता है, सरफेस ऑफ एन आर्टिकल आता है, और टू डायमेंशनल फीचर्स होते हैं जो कि पैटर्न्स, लाइन और कलर, इसमें बहुत बारीकी से देखा जाता है डिज़ाइन में कि कैसा फीचर है, कैसा पैटर्न है। कॉपी तो कर सकते हो बट उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो आपको कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा उसमें। जैसे अगर नाइकी है तो नाइकी के शूज़ तो मतलब मार्केट में 500 के मिलती है, पर वो नाइकी के नहीं होते हैं, उसमें नाइकी में चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो चेंज कर देते हैं, मतलब या तो लाइन बढ़ा देंगे, या तो उसको हल्का सा मोड़ देंगे, या तो उसको नाइकी का लिखने का तरीका चेंज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी डिज़ाइन में आती है। अब पढ़ते हैं पेटेंट। पेटेंट की बात हमने ऊपर भी करी थी। पेटेंट आर द राइट, ऐसा राइट होता है जो कि रिलेटेड टू न्यू डिस्कवरीज। पेटेंट आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेस एंड एप्रिएटर्स। ठीक है, तो पेटेंट क्या होता है, हमारा एक प्रोटेक्शन टाइप्स का होता है कि हम जो भी न्यू प्रोडक्ट है हमारा उसको हम कैसे बचा सकते हैं, दूसरे कॉपी ना कर पाए उसको। ठीक है, अब पेटेंट इज़ द राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा राइट है जो कि गवर्नमेंट से ग्रांट हो रखा होता है। एंड इन्वेस्टर टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम इमिटेटिंग मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग एंड सेलिंग द इन्वेंशन ऑन द क्वेश्चन फॉर कमर्शियल यूज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। सो ये सारे इसके अंदर आता है। ठीक है, पेटेंट के अंदर आता है। पेटेंट ऐसा है कि गवर्नमेंट से हमें ये राइट मिला रहता है, ग्रांट हुआ रहता है, जो कि हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है, हमें माननी पड़ती है। और जो भी मैन्युफैक्चरर है और या जो भी सेलर और यूज़र है वो क्या कर सकता है, क्वेश्चनिंग कर सकता है उसकी कमर्शियल से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, इट इज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड ओनली फ्रॉम रिप्रोडक्शन ऑफ द कॉपीराइट मटीरियल। इट इज़ हाउएवर डज नॉट प्रिवेंट अनदर पर्सन फ्रॉम यूजिंग आइदर द आइडिया और अ कॉपीराइट मटीरियल। तो कॉपीराइट का ये होता है कि हम मतलब किसी ने गाना जैसे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो क्यों आता है, क्योंकि हम उन जिनका सॉन्ग है वो उसने अपना कॉपीराइट ले रखा है। ठीक है, तो वो किसी की भी जिसने उसका सॉन्ग विदाउट परमिशन यूज़ करा होगा तो उस चीज़ पे वो कॉपीराइट क्लेम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉपीराइट में आती हैं। इट इज़ आ राइट दैट इज़ प्रोवाइड टू अ ऑनर और ऑफ अ लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क। इट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट टू कंट्रोल द पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडप्टेशन ऑफ क्रिएटिव वर्क्स। सो ये चीज़ें होती हैं राइट। ठीक है, कॉपी राइट होता है जो कि हम कोई अगर अपनी नई चीज कोई चीज़ कर रहा है उसको हम कॉपी कर लेंगे तो वो भी तो अच्छा नहीं है ना, तो उसकी मेहनत को तो उसको फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसमें कॉपी राइट क्लेम, अगर हम कॉपीराइट खरीद लेते हैं या कॉपीराइट लगा देते हैं तो उसमें फिर जो यूज़ करता है उसको विदाउट परमिशन उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिज़ाइन, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट हमने पढ़ा है, इसमें वो बिजनेस एथिक्स के रोल्स होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। और आपको समझ भी आ चुका होगा, अगर किसी से भी रिलेटेड आपको कुछ और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। बाय बाय।